ऑगस्टिन विनोद साहब, कल से आज में कुछ आपको और जानकारी समझ में आई है। ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो एक बार वीडियो जरा दिखाइएगा, जो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने शूट किया है। तब तक रोटर की आवाज आ रही है, हेलीकॉप्टर कंट्रोल में दिख रहा है, ये वीडियो नहीं है। वो जो वीडियो हम पैकेज में दिखा रहे थे वो दिखाइए। और फिर अचानक से वो बादलों में से जाता है, तब तक रोटर की आवाज आ रही है और फिर सीधा क्रैश की आवाज आती है। जिन लोगों ने इस वीडियो को शूट किया है वो भी आज तक के साथ थे और उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने देखा है। कुछ समझ में आ रहा है? लोग ये बार बार पूछते हैं, मतलब आम लोग जो बात करते हैं कि दो इंजन था, दोनों कैसे फेल हुआ, गिरा उसके बाद कुछ हुआ, कुछ आपको और पता चला हो? देखिए, हमारे दर्शकों को दो चार चीजें समझना बहुत जरूरी है जी। मैं जनरल साहब से भी बिल्कुल ही सहमत हूँ कि कोड ऑफ इंक्वायरी अपने कार्य करने दें। और मैं जनरल साहब को ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि जो भी एनालिसिस आप एटलीस्ट मेरे तरफ से देखते हैं, ये एक ट्रेंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर होने के नाते देखते हैं। और एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर सारी चीजों को अपने मद्देनजर यही अपना डिसीजन लेते हैं और रिपोर्ट पे वो सारी चीजें दर्ज करते हैं। उनके पास जो है, जो हमारे पास नहीं है, वो है जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो बिल्कुल ही सही सलामत बरामद किया गया है और उसकी एनालिसिस चल रही होगी। क्योंकि बहुत सारे जो भी आप, जैसे जलन साहब ने बताया, बहुत ही अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, दो इंजन है, दो हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसमें ऑटोमेशन है, पांच छह, मेरा आर्टिकल है गूगल करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पांच छह मल्टीफंक्शन डिस्प्लेस हैं। ये और भी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो घूम रही हैं उसको भी मैं दरकिनारे कराना चाहूंगा। इसके इंजन के सामने आप देखेंगे दो इडली जैसा दो आइटम है, वो है IR सप्रेसर्स, इसके अंदर फ्लेयर डिस्पेंसर्स हैं, शाफ्ट डिस्पेंसर्स हैं, ये आर्मर्ड प्लेटिंग लगी हुई है नीचे भी, फ्यूल टैंक पॉलीयूरेथीन से कोट किया हुआ है उसका। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, आपका हमारे लिए महत्वपूर्ण ये 15 सेकंड का या 20 सेकंड का वीडियो है। बिल्कुल, ऑडियो बार बार आपका कट रहा है, मैं आपके पास आऊंगी। दीप्ति काला, आप क्या बताएंगी इस बारे में? जी देखिए, जो वीडियो हमारे सामने आया है उससे जितना हमें पता चलता है, जैसे कि जनरल साहब ने भी कहा और अगस्तीन सर ने भी कहा कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी निष्कर्ष पे पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। और देखिए, बिकॉज ये एक्सीडेंट है तो जहाज जब तक ठीक था, उसके बाद जब बादलों में गया, तो ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि उसी टाइम पे वेदर कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उसकी वजह से ये क्रैश हुआ होगा, या फिर कोइंसिडेंस था कि जो भी प्रॉब्लम, तकनीकी प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम जो रिजल्ट में निकल के आएगी, ये उसी टाइम पे हुई जब वो बादलों में गया। तो ये दो चीजें जो है, ये बहुत ही दर्शकों को समझने की जरूरत है कि सीधा सिर्फ वीडियो देख के हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता है कि जो भी स्नैक था, जो भी फॉल्ट था, वो पहले था या बाद में आया है, या एक्चुअल में ही वेदर इतना खराब था। बिकॉज वेदर का जहां तक मैं कहूंगी कि बहुत सारे चीजें हैं, वेदर एकदम से बहुत ही रेयर केसेस में इतना खराब होता है कि इट लीड्स टू अ क्रैश। बहुत पहले से ही जहाज हमेशा ही एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहता है, जहां पे मेट ऑफिसर्स अपना डेटा एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट्स पे फीड करते रहते हैं। तो आई एम श्योर किसी, जब ये VVIP मूवमेंट स्पेशली हो रहा है, ATC में भी सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं, मेट में भी सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं, जिनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस होता है कि अगर हम सिर्फ बादल को देख के ये नहीं कह सकते कि बादल की वजह से ये क्रैश हुआ होगा, क्योंकि ये डेटा बार बार पायलट को फीड हो रहा होगा, पायलट भी खुद कमांडिंग ऑफिसर थे, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस था कि अगर टाइमली ये इन्फॉर्मेशन आ रही है तो या तो जहाज गो अराउंड पे जाए, या जहाज वापस रूट बैक करे, या जहाज नियरेस्ट लैंडिंग स्टेशन पे लैंड करे। तो इस चीज के बहुत ही कम चांसेस, बहुत ही इनफैक्ट मैं कहूंगी कि निल चांसेस हैं कि एकदम से वेदर इतना ज्यादा खराब हुआ कि इतने एडवांस जहाज का ऐसा एक्सीडेंट हुआ और जिसमें इतना इस पूरे नेशन को इतना बड़ा लॉस हुआ। तो मुझे लगता है हमें पेशेंस बरतना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होएगी, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, FDR ATC से मिल जाएगा, तो दोनों की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो टीम बनी है वो उसको चेक करेगी, एंड उसके बाद जो भी निकल के आएगा आई एम श्योर
कि उससे जो सही रिजल्ट है वो सामने आएगा और पूरे देश को पता चलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रवि साहनी साहब जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और सर अब तो सभी की प्रार्थनाएं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के साथ है, क्योंकि वो जिंदगी की जंग लगभग पिछले 50-51 घंटे से लड़ रहे हैं। सब बस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो किसी तरह से बच जाए। बिल्कुल, ताकि वो जो जिसका जिनका आपने नाम लिया वरुण सिंह, वो भी एक बड़े ही एक्सपीरियंस पायलट हैं और उन्होंने ऑलरेडी एक अवार्ड लिया है। जब जो कि मैं अकाउंट पढ़ रहा था कुछ देर पहले, एक बड़े ही निपुणता के साथ उन्होंने एक एरोप्लेन को जो कि घटनाग्रस्त हो सकता था उससे बचाया तेजस में, तेजस पर LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उन्होंने मिड एयर क्राइसिस में बचाया था, शौर्य चक्र तेजस को बचाया। इंस्ट्रक्टर थे, इंस्ट्रक्टर हैं स्टाफ कॉलेज में, और वो लेजन ऑफिसर गए थे। तो हमारी सब की परमात्मा से ये दुआ है और प्रार्थना करते हैं कि वो बच जाएं, क्योंकि जरा गंभीर तौर से वो घायल हैं, पर बेस्ट ट्रीटमेंट जो है आर्म्ड फोर्सेस दे सकती हैं उनको मिल रही हैं जी। और मैं यही प्रेयर करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि वो ठीक हो जाएं। अभी तक उनकी कंडीशन का तो मुझे लेटेस्ट पता नहीं है, पर जो मैंने सुना था सूत्रों से वो कह रहे हैं कि उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। तो लेट्स सी, हम सब जो है सबकी दवाएं जो है उनके साथ है, उनकी फैमिली के साथ।